पंचायत झागड़ सोसाइटी गेहूं खरीदी केंद्र पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। जहां गेहूं खरीदी केंद्र है उसके ऊपर से 33,000 केवी की लाइन जा रही है, उसमें फॉल्ट हुआ। फॉल्ट होने के कारण गेहूं के कट्टों में आग लग गई। लोगों ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण इतना माल इकट्ठा हो गया है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, वहीं ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग पर काबू पा लिया। इस वाली लाइट है उससे फॉल्ट होकर जो अभी इंजन से टकराई है उससे जो फर्क है उनसे जो कट्टों में आग लगी है। करीब कितने कट्टों में लगे? 2324 कट्टे हैं। 2324 कट्टे हैं। अच्छा, लेकिन आग किस तरीके से लगी? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चिड़िया टूटी है उधर से, चिड़िया पे से नीचे एंगल तार आ रहा था, वो वाला वो नीचे रखा उस चिड़िया पे से आग लग रही है। मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ये इतना माल रखा हुआ है इतना लेट क्यों हो रहा है? अरे ट्रांसपोर्ट वालों से 4 दिन हो गया, शनिवार रविवार को भी इसी की हमारों ने किया था, सोमवार को मंगलवार को भी तोला। ये चक्कर में नहीं कि माल हमारा उड़ जाए, लेकिन फिर भी माल नहीं उठा। कल भी बोला था हमने, अभी तक उठा ही नहीं है माल, ये गाड़ी नहीं भेज रहे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी एक बात बताइए, यहाँ कितने कांटे चल रहे हैं? 4 कांटे चल रहे हैं। 4 कांटे चल रहे हैं। रोज का कितना अनाज आता है? रोज का अनाज तो यहाँ पर 1600-1700 क्विंटल आता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की असुविधा है? आपको ट्रांसपोर्ट की असुविधा, उठा नहीं रहे हैं माल को। हमारी ये समस्या परसों भी यहाँ पे आग लगी हुई थी, तब भी ये जा साइड आ रही थी तो हमने काबू कर लिया था, काबू कर लिया था, लेकिन आज ये शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर वाली 33,000 वाली है, इसके कारण ये आग लग गई है। इससे हमारा 2300-2400 कट्टों का नुकसान हो गया। जागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।